मेरी थिंकिंग है कि देश के लोगों को मालूम होना चाहिए कि आप लोग क्या सह रहे हो, परिवारों को क्या, आपको क्या मुश्किल सहनी पड़ रही है, ये इसलिए मैं मतलब समझने आया हूँ। हम तो यही चाहते हैं आने वाले टाइम में आप प्रधानमंत्री बनो, हाँ। और हमारे बच्चों को कहीं नहीं जाना पड़े, यही हरियाणा में रहे, यही रोजगार मिले। जब मेरे पापा अमेरिका गए चोट लग गई। बोलो बोलो क्या हुआ? बट अब तो ठीक है ना पापा? मैंने कहा था मम्मी के पास जाऊंगा, आ गया। कैसे हो? गांव का सरपंच भी कोई पूछ नहीं सकता, और आप तो कहां से कहां मिलने के लिए आए हैं। प्लस टू के अंदर नॉन मेडिकल में 95% मार्क्स है। जो एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे थे वो पेपर लीक हो जाते थे या फिर उनका रिजल्ट नहीं आता था। अब जैसे पीछे नीट का एग्जाम हुआ था वो लीक हो गया, कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा था, न आगे जॉब्स थी, तो मैंने अमेरिका फिर डोंकी में आने का फैसला लिया। जमीन में जो पेस्टिसाइड यूज करते हैं उनके रेट इतने बढ़ा दिए हैं, और ना जो इतनी फसल होती है फिर ना उसके रेट मिलते हैं। गवर्नमेंट ने मतलब जितना खर्चा होता है उससे कम में जाता, मतलब घर से लगता है, उसमें देखा कि घाटा ही है, तो फैमिली के फ्यूचर के लिए आना पड़ा। फिर हमने सोच ली ये सरकार कुछ नहीं देने वाली है, इस कारण यहाँ पे आए। 5 या 7 साल यहाँ पे बढ़िया मतलब पैसा कमाऊंगा, और घर के जो हमारी स्थिति है उसको अच्छा कर मैं वापिस इंडिया जाना चाहूंगा। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार। ओह स्पेशल चूरमा बना रहे हैं आप? हाँ देख रहा हूँ। सब हरियाणा के हो? जी, मिनी हरियाणा बना दिया यहाँ पे। हरियाणा से चले तो यहाँ क्यों आए? आइडिया क्या था, मतलब सोच क्या थी यहाँ आने की? मैं भी 2 साल से ट्राई कर रहा था कि मैं भी यहाँ इंडिया से निकल जाऊँ, क्योंकि कुछ है ही नहीं था। 10-15 हज़ार में क्या होता है, नॉर्मल आप शहर में भी गुजारा नहीं कर सकते। सब बेरोजगार? अच्छा, यहाँ आकर आपने सही डिसीजन लिया या गलत डिसीजन लिया? ये तो सही डिसीजन है। सही डिसीजन। पिछले दशक में हालात ऐसे हो गए हैं, जो अपना अच्छे से काम कर रहा था, महंगाई इतनी हो गया, अफोर्डिंग कर पा रहा और आमदनी बिल्कुल कम हो गई है। माँ बाप सब घर में वही है? माँ बाप बच्चे। जब आप वहाँ से गए तो उनको तो डर लगा होगा कि क्या कर रहा है। कौन चाहेगा कि अपने बच्चों से दूर रहे? सिचुएशन बड़ी टफ होती है, क्योंकि मेरी माँ के लिए मैं बच्चा हूँ और मेरे लिए मेरे बच्चे। खुश तो हम अपने देश में अपने लोगों के बीच में होते हैं हमेशा ही। जितने बच्चों से आप बात करोगे, अभी अपार्टमेंट्स में देखोगे, आप फील करोगे कि ये रहते कैसे हैं। 15-15, 20-20 बच्चे एक सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट्स में। आप जाओगे तो बैग रखने की जगह नहीं है अपार्टमेंट्स में। वो सब पैसे इकट्ठे करके अपनी फैमिली को भेजते हैं ताकि हमारी फैमिली सरवाइव कर सके। उसके बाद हमारे भाई साहब उनके हेल्प से हमने इनके पास रहे। हम जब तक हमारे पास काम नहीं था, इन्होंने काम अरेंज कराया, काम किया, जो कि $10-11 के हिसाब से हमने एज ए लेबर काम किया। इन्होंने हमारा केस जो हमें वकील को प्रेफर किया और उनके सबमिट किया। उसके बाद हमें 6 से 8 महीने के लगभग वर्क परमिट मिलता है, लगभग 1 साल हमने वो काम किया, उसके बाद वर्क परमिट मिला। अच्छा, आप हरियाणा से अमेरिका आ गए, हरियाणा से आप हिंदुस्तान के किसी और स्टेट में नहीं जाने को सोचा? हर स्टेट में ऐसा ही हाल है। और जब आप वहाँ से निकलते हैं तो कोई कहता है कि ऐसा सब होगा, ऐसी तकलीफ? आपको मालूम है कि डेंजर रिस्क तो मालूम है। क्या पता कि क्या पता हमें ऐसी ना मिले। कोशिश करते हैं बेहतर रोजगार, बेहतर जिंदगी के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंडिया। तो मेंटली आप तैयार रहते हैं कि ऐसा कुछ होगा? सबसे ज्यादा डर आपको कब लगा इस जर्नी में? कभी डिपोर्ट लग जाए। डिपोर्टेशन का सबसे ज्यादा डर वही है। सबसे ज्यादा कौन से देश के लोग आ रहे हैं? इंडिया में से तो हरियाणा के आ रहे हैं सबसे ज्यादा, हरियाणा पंजाब। हरियाणा में से इतने ज्यादा क्यों आ रहे हैं? और 35-40 लाख रुपए लगा कर कोई आता है कितना रिस्क लेके बेहतर रोजगार के लिए, क्योंकि वहाँ पे है ही नहीं अभी। और कुछ लोग डिपोर्ट भी हो जाते हैं बाद में, फिर भी रिस्क लेते हैं, जान का भी रिस्क लेते हैं, काम धंधा बचा ही नहीं कुछ। 35 लाख से इंडिया में धंधा नहीं कर सकते? बचता ही सर कुछ भी पता ही नहीं है, रिस्क है। 35 लाख लगाने के बाद में कुछ होगा नहीं होगा, 35 लाख लगाएंगे तो कुछ ना कुछ हम यहाँ कमा सकते हैं। आपको ये लगता है ना कि 35 लाख रुपए मैंने ब्याज में लिया तब भी धंधा नहीं चल सकता? उम्मीद नहीं है। तो इस सफर में सबसे ज्यादा खुशी कब हुई? जब अमेरिका में घुसे। अमेरिका और इंडिया में आपको क्या फर्क लगता है अब आप यहाँ रहे हो? सबसे ज्यादा फर्क ये है जी, यहाँ भेदभाव नहीं है, इंडिया में बहुत भेदभाव है पिछले कुछ सालों से। यहाँ जातिवाद नहीं है, जैसे हम सारे इकट्ठे रह रहे हैं। अब मैं मुस्लिम हूँ, ये हिंदू है, यो कोई है, कुछ नहीं है बिल्कुल भी। हाँ सही है। मगर अब आप क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, प्लान क्या है आपका? ट्रक चला के सर मैं फिलहाल तो मेरा अपना
रोजगार सेट करना था मुझे, क्योंकि वहाँ पे नहीं था। अब यहाँ पे मेरा रोजगार सेट हो गया। अब कितने पैसे बन रहे हैं आपके महीने के? महीने के मैं 2 से 2.5 लाख आराम से कमा लेता हूँ, ज्यादा कमा लेता हूँ। और आप ट्रक चलाते हो? जी हाँ। फ्यूचर में सर इंडिया में कुछ ऐसा होना चाहिए, कोई बढ़िया लीडर आना चाहिए जो देश के हालात बदले, रोजगार मिले लोगों को, फिर महंगाई कम हो जाए, ताकि वहाँ पे जो लोग बसर कर रहे हैं उनका जीवन यापन थोड़ा सा सरल हो जाए, उनको देश से बाहर ना आना पड़े। आपका कोई स्किल हो, कोई हुनर हो आपका, तो इंडिया में उसकी रिस्पेक्ट होती है? यहाँ ज़्यादा होती है या वहाँ ज़्यादा होती है? तो यहाँ पे हर मतलब हर प्रोफेशन में इज्जत, हर प्रोफेशन में रिस्पेक्ट है। और आप अब इंडिया जा सकते हो या अभी नहीं जा सकते? कब जा पाओगे? अभी सर कोई उम्मीद नहीं है। जब ग्रीन कार्ड होगा? हाँ जी सर। वो तो 10 साल लगेंगे, कितना साल लगेगा उसमें? 10 साल 5 साल आप फैमिली को नहीं देखोगे? नहीं सर। वो आ सकते हैं या उनको भी अलाउड नहीं? नहीं सर। माता पिता को कोई मैसेज देना चाहते हो? हाँ, क्या देना चाहते हो? बताओ। पीछे जो बैठे जो हेल्प उन्होंने की है, आई थिंक नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते। ये हेल्प सब 100 जो आप हमारे लिए है, आप वहां पे हमारे लिए तो भी रिलैक्स फील होगा सर। ठीक है, आए हो वहां पे, आने हमें टाइम दिया सर, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, उनको भी। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। सर आपसे मिलने की बहुत बड़ी बात है। शाबाश। बीजेपी सरकार रही तो हम नहीं जाएंगे। राहुल जी की सरकार आए, कांग्रेस सरकार आए हमारी सेंटर में भी, और हम तो आगे हमारे भाई बहन नहीं आए यहाँ पर, उनको रोजगार अच्छा मिल जाए, नौकरी मिल जाए, कांग्रेस सरकार आ जाए तो बहुत अच्छा रोजगार मिल जाए। तो आपको कैसा लगा कि ये अमेरिका गए? लगा तो बुरा जी, पर किया क्या जाए, चॉइस नहीं है यार, रोजगार तो है नहीं जी, रोजगार तो नहीं है ना, या कुछ काम ही नहीं था। मजबूरी में क्या करता सर, रात तो नींद नहीं आती थी, दोनों मियां भी मतलब रोते थे, बच्चे थे मगेर सुनेंगे रोएंगे जी, क्या फायदा जी? वहाँ में तो पता भी नहीं था जी, बेटा बताया लड़का है जी वहाँ, उसको मिल लिए, वो उन्हें बहुत हेल्प करी जी, बहुत हेल्प करी। तो आपको कैसा लगा? उसको बस सब याद करते हैं जी, सब रिश्तेदार याद करते हैं उसके जाने के बाद में, इतनी बीमार हो गई, मेरे 2 ऑपरेशन हो गए, उधर और रोता था, इधर मैं रोती थी हॉस्पिटल में, मम्मी आपका क्या हाल हो गया, बेटा क्या करे, कोई लाने वाला भी, एक पापा है, किस किस को संभालेगा, घबराया होगा बिल्कुल। उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे परिवार से जाके मिलो, तो मैंने कहा ठीक है मैं आके मिलता हूँ। सर आप तो भगवान आ गए हैं। मैंने उन्होंने कहा उनसे मैंने कहा है कि जो मैंने वहाँ देखा मैं आपको बताऊँ, तो वहाँ पे मतलब ठीक है सर, हमें यहाँ तो गांव का सरपंच भी कोई पूछ नहीं सकता है, और आप तो कहाँ से कहाँ मिलने के लिए आया जी, कोई एमएलए महाराज हमारे पास कभी आया जी, कोई दुख में सुख में कोई और नहीं आया जी। ये भी बताओ जी, ये प्राइवेट नौकरी करते हैं, 10,000 देता सैलरी, कोई 12,000 देता है, उसमें बताओ 3 बच्चा की फीस भी है, पढ़ा क्या खर्चा नहीं है जी, सब कुछ प्राइवेट हो रहा है। सब प्राइवेट, अस्पताल प्राइवेट हो रहा है, हाँ जी, कॉलेज यूनिवर्सिटी प्राइवेट हो रही है, हाँ। जॉब प्राइवेट हो रही है, सब ऐसे बोलते हैं जी, अगर जी ये कार्ड बनवाते हैं अभी फ्री में ले आ जाओगा, किसी किसी का जो किसी का नहीं होता, पूछते भी कौन जी। 10 साल लाइन में लगा रखे जी, हरियाणा सरकार ने 10 साल लाइन लगा रखी है जी, आज ये कर दो, आज वो बदल दो, आज ये कर दो, आज होता क्या। नमस्कार, कैसे हो? मैंने कहा था मम्मी के पास जाऊंगा, आ गया, कैसे हो? इसके जो अब खुश लग रहा है, वैसे तो ठीक हो जाता, ये जो खांगे पिंगे की मशीन गई है ना अंदर से, ये सारी टूट गई। नहीं, ठीक हो जाएगा। मैं आपकी फैमिली से बात कर रहा था, कितना मतलब मुश्किल रहा है आपके लिए? मेरे लिए तो भी मुश्किल है जी। हो जाओगे ठीक, कोई घबराना नहीं है। मेरी थिंकिंग है कि देश के लोगों को मालूम होना चाहिए कि आप लोग क्या सह रहे हो, क्या क्या मतलब आपको सहना पड़ रहा है, परिवारों को क्या, आपको क्या मुश्किल सहनी पड़ रही है, ये इसलिए मैं मतलब समझने आया हूँ। हरियाणा में सर 2014 से पहले खुशहाली थी, सारा कुछ ठीक, ये सब हरियाणा से क्यों जा रहे हैं? हरियाणा में रोजगार तो नहीं है, कुछ नहीं रोजगार। 14 के बाद तो खत्म हो गया जी, 2014 के बाद खत्म हो गया रोजगार, सब प्राइवेट कर दिया। अब आपकी सरकार आओगी जी, आपकी सरकार में रोजगार कुछ होगा जी, बस इससे सरकार में लगे लगाया बैठे जी। मैं जी 2012 में लगा था जी आपके राज में। आप कुछ कह रही थी? यही कह रही थी आपकी सरकार आया, आप ऐसा करो कुछ कि जो गए आगे किसी और को नहीं जाना पड़े। ये जो गए ये तो मजबूरी है सर इनकी, मेरे पास भी 2 बेटे हैं। हम तो यही चाहते हैं आने वाले टाइम में आप प्रधानमंत्री बनो और हमारे बच्चों को कहीं नहीं जाना पड़े, यही हरियाणा में रहे, यही रोजगार मिल जाए। आएंगे ना पापा, आएंगे ना, बस जाना तेरे को वहाँ जाना है, आने वाले समय में सर प्रधानमंत्री बने। जाना चाहते हो तुम अमेरिका, जाना चाहते हो? पापा से मिलने तो जाओगे? ठीक है ठीक है, पापा से बात करनी बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इमोशनल है बहुत ज्यादा, अच्छा है,
होना चाहिए, इस एज पे अगर इमोशनल नहीं होगा तो कब होगा? इसको पता कब लगा कि पापा चले गए? जैसे रात होते ही ये होता भी पापा चाहिए घर पे, पापा होने चाहिए, पापा के साथ बैठना, खाना खाना, ये सब मिस करता तो बोलता पापा आप मुझे क्यों छोड़ के गए। नमस्कार सर। नमस्कार, बोलो बोलो। ये ऐसे इमोशनल हो जाता जी मेरे को देख के। हाँ होगा, बिल्कुल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी, आपने मेरी फैमिली को टाइम दिया, आप वहाँ जाके मिले, मेरे को बड़ी सांत्वना हुई जी, बड़ा ये फील हुआ जी। हाँ मेरे बच्चे सुरक्षित है और मेरे बिल्कुल ये चिंता नहीं है जी मुझे भी, किसी भी प्रकार का। घबराना नहीं आपको, तुम्हें भी नहीं घबराना, ठीक है। अब थोड़ा ये है जी, हमारी कोई सुनेगा तो जी। ठीक है बेटे, चिंता ना करा, तू आराम से बैठ जा, कोई बात नहीं, मैं जल्दी आऊंगा। अपनी मम्मी के पास बैठ जा। मेरी मेरी एक बात सुन लो, मैंने तो लग आड़ा को नहीं आऊंगा, मेरी काम है, मतलब साइड लग गया। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? आप यहाँ नहीं आओगे, मेरे को डर लग रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल जल्दी आ जाए। बात की जनता ठीक रहे जा रही आने वाले, बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। ये आप ही कर सकते हैं सर, आप में थोड़ा बहुत दिख रहा है जी, कोई बुरा हाल हो गया तो। किसी भी कीमत पे मेरे पापा को जाके भी देखो। जाके आए थे वहाँ? मैं वहाँ से तो आया हूँ, पापा से मिल के आया हूँ, इसीलिए तो आया हूँ मैं यहाँ तुमसे मिलने। पापा ने भेजा है मुझे, तुम्हारे पापा ने भेजा है। भेजा तो आपने भेजोगे? देख सारा मारते मिलके गई, थरते मिलने आए हैं यहाँ स्पेशल। ये सर हमसे मिलने आया और आपसे भी मिले हो गए, आपने पता है ना। हाँ हाँ पूछ कर देख, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ ठीक है और सिर्फ ठीक ठीक है, ठीक ठीक ही है सब कुछ, सब सही है। जब मेरे पापा अमेरिका गए जो लग गए। बोलो बोलो क्या हुआ? बट अब तो ठीक है ना पापा? अच्छा क्या हुआ बताओ, कैसे क्या क्या लगी बताओ मुझे, बताओ 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 बताओ, कहाँ लगी चोट आपको, बताओ बताओ कहाँ लगी? सब नहीं बोल रहे, बोलने का नहीं सर, सभी बच्चों सर यही हाल है। सब कोई मतलब माँ बाप यही सोचता है किसके किसके फादर भी बाहर हो, कौन सोचता है। अब ठीक है, बिल्कुल बात नहीं की तुमने अभी पापा से, बात की ना तो अब ठीक है ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।